अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है मटन नमकीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको दावत में बना सकते हैं, अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बना सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना सकते हैं, बच्चों को बड़ों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी देना है। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मटन नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने कर ले लिया है एक अदद पॉट, और उसको जो है अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड किया है हाफ कप के बराबर ऑयल, और अब मैं इसको थोड़ा सा हीट अप कर लूँगी ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसको मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा इसको भून लूँगी। तो जब ये जिंजर एंड गार्लिक हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपना मटन जो मैंने तकरीबन 1/2 kg के बराबर लिया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। मैं आप इसको मटन बीफ किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसको जो बना रही हूँ वो मटन में बना रही हूँ। अगर आप लोग बीफ में बनाना चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन जो है नमकीन बना रही हूँ तो इससे जो है आपको नाम से आइडिया हो गया है। तो इसमें हम मैंने यूज़ ही मटन लिया है। अगर आप इसे बीफ में बनाना चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, मगर ये कि ये बन के बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसेस यूज़ नहीं होते और ये बहुत कम मसालों में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब मैं गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है जब गोश्त अपना पानी छोड़ देगा तो फिर मैं जो है इसको ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो गोश्त का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और इसका जो ब्लड का पानी है वो भी अच्छी तरीके से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जब इसका ब्लड का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, और इसको जो है मैंने बिल्कुल कुक कर लिया है। अब तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप के बराबर जो है पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ कवर ताकि हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल जाए। और ये हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखें बिल्कुल जो है गोश्त की बोटी मैंने आप लोगों को चेक करके बताई है। जब ये बिल्कुल गल जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं तकरीबन 4 अदद टमाटर, और वो मैंने गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं। और अब जो है मैं इसको बिल्कुल कवर कर दूंगी फिर से ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और अब तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर किया है, और उसके बाद जो है 15 मिनट हमारे जो थे वो कंप्लीट हो गए, और अब आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और अच्छे तरीके से थोड़ा सा और भूनूंगी। ग्रेवी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बन के रेडी होता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर मक्खन यानी कि बटर। अगर आप लोग बटर ऐड करना ना चाहें तो आप देसी घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से जो है इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और जो है टेस्ट भी आता है इससे। और दूसरी बात यह कि जो है ना इसका जो जायका है वो दुबला हो जाता है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जैसे अमूमन बाज़ार में ये मिलती है डिश, तो बड़े शौक से जो है जेंट्स हजरात जो है वो खाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए बना रही थी, उनकी फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अपने हस्बैंड के लिए बनाएं और जो है उनकी तारीफ वसूल कर सकें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कट करके, उसके बाद जो है मैंने कट करके ही इसके अंदर ऐड किया है हरा धनिया। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और तकरीबन 2 मिनट और मैं इसको दम पे रखूंगी, और उसके बाद जो है
और अब जो है मैं इसको डिश आउट करने से पहले पहले इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के बराबर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। आप लोग भी इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस ये अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये है हमारे मटर नमकीन की फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ न्यू ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।